नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं आपके मैच कवर करने वाले हैं नामीबिया वैसे यूएसए टीम्स के बीच T20 ट्राई सीरीज का मैच है। डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टेशन फो दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके आपने शुरुआत करना, आपका एक लाइक हमें उत्साहित करता है कार्य करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwb, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 19,000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, बात करते हैं मैच की, तो मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर में 1:30 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों, मैच होने वाला है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड विंडहॉक नामीबिया के अंदर ये मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं विकेट की, तो कल भी इस टूर्नामेंट का एक मैच खेला गया था नामीबिया और जर्सी के बीच। तो उस मैच में दोस्तों नामीबिया की टीम स्ट्रांग थी और उन्होंने 200 करीब मार दी थी 20 ओवर में। हालांकि जर्सी की टीम ने भी 130 के आसपास स्कोरिंग करी हुई थी। और दोस्तों, इस वेन्यू का जो T20 में स्कोर रहता है वो 140-160 के बीच रहता है और यहाँ का विकेट लगभग बैलेंस रहता है। सभी डिपार्टमेंट्स को इक्वल सपोर्ट मिलता है। जब बॉल नया रहता है तो शुरुआत में पेसर्स को मदद मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर ठीक ठाक से सपोर्ट बैट्समैन को भी रहता है। और दोस्तों, नामीबिया को यहाँ पर एडवांटेज इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों टीमों को यदि ICC रैंकिंग की बात करें तो नामीबिया की टीम मजबूत है, वो 15 पोजीशन पर चल रहे हैं। वहीं दोस्तों यूएसए की टीम 26वें नंबर पर ICC T20A रैंकिंग में। नामीबिया के होम ग्राउंड पे मैच है, नामीबिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसी वेन्यू पे खेले जाते हैं, तो इस वेन्यू पे उनको खेलने का अच्छा खासा अनुभव है, तो उसका भी उनको एडवांटेज मिलेगा। नामीबिया ने दोस्तों पहला मैच अपना जीत हासिल किया हुआ जो जर्सी के अंगेज था। हालांकि जर्सी की टीम यूएसए से कहीं ज़्यादा कमजोर थी, लेकिन वो भी नामीबिया के बॉलिंग अटैक के अंगेज 130 के आसपास कर गए। तो दोनों टीम में से कोई भी बैटिंग करे, आप इस मैच में 150 के आसपास स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले दोस्तों नामीबिया की बात करते हैं, इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे क्रिक विलियम्स, उनके साथ ओपन करने आएंगे डीवन लॉकॉक। बात करें दोस्तों विलियम्स के राइट हैंड बैट्समैन है, पार्ट टाइम पहले बॉलिंग करा करते थे, अभी हालांकि रिसेंट में बॉलिंग नहीं कर रहे। लास्ट गेम में उन्होंने 40 रन का स्कोर किया, 35 T20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले हुए हैं, जहाँ पे 805 रन का स्कोर किया हुआ, 28 का करीब बैटिंग एवरेज रहा है, 9 विकेट है 35 मैच में। वो भी शुरुआती विकेट हैं, जब शुरुआत में नए नए आए थे तो बॉलिंग करा करते थे, अब बॉलिंग नहीं करेंगे, एक तरह से अपने प्योर बैट्समैन मान के अपनी टीम में आप रख सकते हो। हालांकि बैटिंग से कभी भी 30-40 का स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर आप जरूर ट्राई कर सकते हो। उनके साथ ओपन करने आएंगे डीवन लॉकॉक, राइट हैंड बैट्समैन है। अभी तक इस सीरीज में उन्होंने 3 ही T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, यहाँ पर उन्होंने 89 रन का स्कोर किया था, 3 मैच में मिला के 29 का एवरेज रहा था। एक मैच में इनकी 66 की विनिंग आई थी इस 89 में से, और 2 मैच में फ्लॉप भी हुए थे। लास्ट गेम में 29 रन के आसपास स्कोर किया, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में भी आप रख सकते हो, 20-25 कभी भी कर सकते हैं, ठीक ठाक से बैट्समैन है। बैटिंग सेक्शन में कोई बहुत अच्छी चॉइस भी नहीं है, तो आप इनको अपनी टीम में एज अ प्लेयर रख सकते हो, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह। वन राउंड बैटिंग करते हुए देखेंगे जी निकोल लॉफ्टीटन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, ये हालांकि विकेट कीपिंग सेक्शन मिलेंगे, लेकिन इस टीम के लिए जेन ग्रीन कीपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको जी निकोल लॉफ्टीटन एक आध ओवर की बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। हालांकि इस टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन अच्छे खासे हैं, तो हो सकता है ज़्यादा बॉलिंग ना मिले, लेकिन एक आध दो बॉलिंग कर सकते हो, वन डाउन बैटिंग करेंगे, ठीक ठाक सी चॉइस है अपनी टीम में रख सकते हो। बैटिंग से 10-15 रन कभी भी कर सकते हो, लास्ट गेम में भी 13 ही किए, और ओवरऑल आप इनका देखेंगे तो 19 T20 मैच खेले हुए हैं, जहाँ पे 150 के करीब रन है, 144 रन और 12 का एवरेज ही T20 के अंदर इनका रहा है, विकेट भी बहुत कम है, ओवरऑल एवरेज ऑलराउंडर है। आपको रखना है तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर रखिए, अदरवाइज चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा छोड़ने पर इनके ऊपर रिस्क नहीं रहेगा। नीचे देखिए दोस्तों ग्रेहार्ड रिसमस राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं पार्ट टाइम, लास्ट गेम 18 रन का स्कोर किया, एक ओवर डाले, विकेट लेस रहे, 38 T20 मैच उन्हें खेले हुए हैं नामीबिया के लिए, जहाँ पे 927 रन का स्कोर करा हुआ है, 34 का बैटिंग एवरेज रहा है इनका और 19 विकेट इनको कुल मिला के मिले हुए हैं। बॉलिंग ज़्यादा नहीं करते, जैसे यहाँ पे जे निकोल लॉफ्टीटन एक आध दो ओवर की बॉलिंग करते हैं, सेम इरस्मस का ख्याल है, यदि किसी बॉलर की पिटाई हो गई तो ये लोग आपस में एक एक दो दो ओवर डाल देते हैं, लेकिन बैट्समैन कमाल के हैं। T20 के अंदर 34 का एवरेज एक अच्छा एवरेज है और काफ़ी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, थोड़ा सा एंकर करते हैं और फिर लंबे इनिंग्स खेलते हैं, चौके ज़्यादा लगाते हैं, छक्के वगैरह ज़्यादा मारते नहीं, क्लास प्लेयर है और काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपकी टीम में एज अ प्लेयर तो होना ही चाहिए, ग्रैंड लीग में CBC ट्राई कर सकते हो। नीचे देखिए दोस्तों मरान कुरकर मुझे कुछ खास लगे नहीं, क्योंकि T20 में लास्ट मैच में इनका डेब्यू हुआ था, जहाँ पर 9 रन का स्कोर किया, इससे पहले सिर्फ लिस्ट ए क्रिकेट खेले थे नामीबिया के लिए, हालांकि नामीबिया की जो U19 टीम है वहाँ पर भी खेल चुके हैं, 3 लिस्ट ए मैच इसके अंदर उन्होंने लास्ट के 3 मैच के अंदर 50 रन किए थे 17 की ओवर से, तो लिस्ट में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर पाए, 9 का ही स्कोर किया, तो चाहे तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, आसानी से छोड़ सकते हैं। नीचे देखिए जेन ग्रीन लेफ्ट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग भी करेंगे आप रख सकते हो,
लास्ट गेम में 30 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, उसके 32 T20 मैच के अंदर इस तरीके से पहले जो 32 मैच उन्होंने खेले थे विवेक के लिए वहाँ पे 243 रन के हुए 12 की एवरेज, हालांकि एवरेज 12 का लेकिन हिटर काफ़ी अच्छे हैं तो ग्रैंड लीग में जरूर रोटेशन में आप रख सकते हो। नीचे देखें दोस्तों डेविड वेज राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका के लिए कुछ टाइम पहले खेला करते थे, आईपीएल के भी उन्होंने 10-15 मैच अपनी जिंदगी में खेले हुए हैं तो, और सीपीएल खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं, भाई दुनिया की हर लीग में बंदा खेला है, ऐसी कोई लीग नहीं है जहाँ पर इस बंदे ने ना खेला हो, आईपीएल से लेके पीएसएल सीपीएल हर जगह इसने खेले हैं। और लास्ट मैच भी इसने 55 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, साथ में 4 ओवर डाले जिसमें से 2 विकेट चटकाए और 55 रन में 21 बॉल पर 55 रन आए थे, 5-6 छक्के मारे थे। और 36 T20 मैच उन्होंने अभी के लिए खेले हुए हैं जहाँ पे 387 रन के हुए, 21 की ओर से 38 विकेट हैं, लगभग उन्हें 4 ओवर पूरी बॉलिंग करते हैं, हालांकि ये टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं लेकिन टीम इनको हमेशा लास्ट में यूज करती है फिनिशर के तौर में, तो बैटिंग करने नीचे ही आते हैं, नंबर 6-7 के आसपास ही बैटिंग करते हैं आपको देखने वाले हैं। और इनके जो युवा बल्लेबाज हैं उनको टीम पहले मौका देती है, उनको लास्ट में ही उपयोग करती है, लेकिन हैं तो कमाल के प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है, तो कैप्टनसी आप दे सकते हो, सेफ ऑप्शन नहीं है स्मॉल लीग पे। नीचे देखेंगे दोस्तों रॉयल टेंपलमैन लेफ्ट आर्म पेसर है और बहुत अच्छे एंगल से बॉलिंग करते हैं, 130 के आसपास 130-132 इनका पेस भी रहता है, इवन 135 तक उन्होंने बॉलिंग करते हुए डाल, तो अच्छी पेस पे बॉलिंग करते हैं। लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 3 विकेट भी चटका है, वनडे के अंदर बहुत कारगर साबित होते हैं, डोमेस्टिक टी20 में जो हो रहे थे हर मैच में 3-4 विकेट ले रहे थे, लेकिन इस तरीके से पहले इंटरनेशनल लेवल पर इनके उतने जबरदस्त आंकड़े नहीं थे, 18 मैच के अंदर इनके नाम सिर्फ 12 ही विकेट थे और साथ में हिटिंग भी कर लेते हैं, 63 रन भी थे, लेकिन लास्ट मैच पे तो 3 विकेट निकाले, अच्छे बॉलर हैं, अपनी टीम में जरूर रखे, कभी भी 3-4 विकेट निकाल सकते हैं, हाँ यदि बॉल फर्स्ट हो तो मत छोड़ेगा क्योंकि उस सिचुएशन में डेथ में भी बॉलिंग करनी यही आएंगे, और इनके साथ डेविड विजय डेथ में बॉलिंग करेंगे। नीचे देखें दोस्तों बिनार्ड स्कूल्स लेग स्पिनर है, लास्ट गेम पे 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, सीरीज से पहले 35 मैच के अंदर 39 विकेट थे नबीवे के लिए, अच्छे बॉलर हैं, बीच में इनके ओवर थोड़ा बहुत कट होने लगे थे लेकिन अभी लास्ट मैच में 3 ओवर मिले तो 2-3 ओवर 3-4 ओवर की उम्मीद कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अच्छी पिक रहेगी। नीचे जाएंगे दोस्तों नगुप्ता दिखेंगे, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के विकेट जैसे रहे, इस तरह से पहले 3 गेम में 2 विकेट, एवरेज ऑप्शन आसानी से छोड़ सकते हो, बेन सिंगांगो को बॉल फर्स्ट ले सकते हो, नई बॉल से शुरू बॉलिंग करेंगे, राइट आर्म मीडियम है और 19 गेम के अंदर 14 विकेट है, लास्ट गेम भी 1 विकेट मिला हुआ था। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे नबीबिया का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों जो लास्ट मैच हुआ था जो जर्सी को हराया नबीबिया ने, तो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस नीचे है जो मैंने एक एक करके आपको बता दी, और जो ऊपर इनकी परफॉर्मेंस लिखी हुई है वो सारे प्लेयर्स के स्टैट्स जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो हैं इस सीरीज से पहले के इनके T20 इंटरनेशनल के, सारे प्लेयर के इंटरनेशनल स्टैट्स हैं, सिर्फ एक बंदा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ उसका लिस्ट एक है तो मैंने उसके सामने लिस्ट लिख दिया, बाकी सारे प्लेयर के इंटरनेशनल के मैचेस के स्टैट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टीम USA की जो कि थोड़ा सा कमजोर है, हालांकि 50-50 मान के चले क्योंकि T20 में जो ज़्यादा ऊपर की टीम होती हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, T20 एक छोटा फॉर्मेट होता है उसमें कोई भी टीम कभी भी बाउंस बैक कर सकती है जैसे कि अपने कल के मैच में देखा, और T20 रैंकिंग में आप देखिए जो सिंगापुर की टीम है 20 नंबर पे है, मलेशिया की टीम 31 नंबर पे है ICC रैंक में, मलेशिया ने सिंगापुर को हरा दिया, तो कुछ भी आप इंडिया आयरलैंड का मैच ही देख लीजिए, इंडिया की टीम 1 नंबर पर है, आयरलैंड की टीम ICC रैंकिंग में 14 नंबर पर है, अब आप समझिए, हालांकि इंडिया की वो भी टीम थी लेकिन फिर भी IPL के टॉप परफॉर्मर उसमें खेल रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था लास्ट ओवर तक नहीं पता था भाई कौन जीतेगा, 225 बनाने के बाद भी इंडिया सेफ नहीं था, और इंडिया के बेहतरीन बॉलर थे जो IPL के टॉप फॉर्म पे चल रहे थे, हर्षल पटेल को तो भाई बहुत पीट रहे थे, तो मतलब T20 में कुछ भी संभव होता है। USA की बात करते हैं, इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे जसकरण मल्होत्रा, इनके साथ ओपन करने के सुशांत मोडानी, लेकिन उसके पहले दोस्तों बता दूं मैच का फाइनल अपडेट और फाइनल टीम टेलीग्राम पर दिया जाएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, 19,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। दोस्तों जसकरण मल्होत्रा के बारे में आपको बता दूं स्क्वाड में है USA के, हालांकि पिछले कुछ टाइम से खेल नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों नई टीम खिला रही थी, ये बंदे ने लास्ट ईयर PNG के 6 छक्के मारे हैं, युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ले, हालांकि वनडे के अंदर इन्होंने मारे हैं लेकिन वनडे में 6 छक्के मारे जबरदस्त तरीके से, और 50वें ओवर पर मारे थे जो आखिरी ओवर था मैच का उसमें 6 छक्के मारे थे, और भाई कमाल के लंबे लंबे सिक्स मारे थे, आप जाके यूट्यूब में देखना जसकरण मल्होत्रा 6-6 हाईलाइट आपको दिखाएगा, बहुत कमाल के छक्के मारे थे, कमाल का बल्लेबाज हैं, हालांकि T20 के अंदर उतने सफल नहीं रहे, 12 T20 मैच के अंदर 181 रन है 18 की ओर से, और मैं ये भी बता दूं उसने 6 छक्के किस बॉलर के अगेंस्ट मारे थे, PNG का एक बॉलर है गॉडी टोका उसके अगेंस्ट 6 छक्के मारे थे, 11 सितंबर 2021 में इसने मारे थे, जाइए चेक करिए, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जिनको रिस्क लेना है स्मॉल लीग में रखिए, काबिलियत है बड़े शॉट्स खेलने की लेकिन अभी तक उतने सफल नहीं रहे हैं, यदि आज के मैच में प्लेइंग 11 में होते हैं हिस्सा रहते हैं तो खेलेंगे तो फिर ओपन करेंगे डायरेक्टली, यदि जसकरण मल्होत्रा नहीं खेलते इनकी जगह टीम किसी बॉलर को खिलाती है तो सीधे स्टीवन टेलर आपको सुशांत मोदानी के साथ ओपन करते हुए दिखेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर सेम रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
चांसेस आई हैं कि मल्होत्रा को इस मैच में खेलना चाहिए और ओपन भी करना चाहिए। सुशांत मोटानी ने दो इंटरनेशनल मैच खेले हैं उसी के लिए, जहाँ पर 77 रन किए 38 की ओवर से, ये भी कमाल के बल्लेबाज हैं, तो आप इनको भी पिक कर सकते हो। अभी रिसेंट में वनडे के अंदर काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। नीचे के दोस्तों मोरांग पटेल राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर बल्लेबाज, हालांकि T20 में उतने सफल नहीं रहे, 16 T20 मैच के अंदर 164 रन 15 की ओवरेज रहा है, लेकिन हैं तो कमाल के बल्लेबाज भी, कीपिंग करेंगे वहाँ से भी पॉइंट देंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे और वनडे के अंदर तो बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, एक क्लास प्लेयर है, तो अपनी टीम में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा इनका रोल आज के मैच में, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर ट्राई करिएगा। स्टीवन टेलर की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं, ये भी काफ़ी टैलेंटेड ऑलराउंडर है, 14 मैच के अंदर 335 रन 37 के ओवर से 7 विकेट, पार्ट टाइम 2-3 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, तो अब इनको भी अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर रखिए। कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटिंग रहता है, प्लस 2-3 ओवर की बॉलिंग भी कर सकते हैं। एरन जोन्स की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन लेग स्पिनर मिडल ऑर्डर खेलते हैं, 14 मैच के अंदर 211 रन 35 का करीब एवरेज है, थोड़ा सा नॉट आउट रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, थोड़ा नीचे भी रहता है और बैटिंग ऑर्डर, इसलिए एवरेज थोड़ा सा ज्यादा है, और पार्ट टाइम एक आध और बॉलिंग कर सकते हैं। ग्रैंड लीग ट्राई करेगा, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। गजानन सिंह की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन 6 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, बेसिकली 137 रन किए हुए हैं, लास्ट में आके फिनिशर का काम करते हैं, काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बैट फर्स्ट में जीएल में रख सकते हैं। निसर्ग पटेल की बात करें, लेग स्पिनर हैं, 12 T20 मैच के अंदर 16 विकेट हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, 4 ओवर पूरे कराएंगे और गुच्छों विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, और लेफ्ट आर्म लेग भी बॉलिंग करते हैं, तो अपनी टीम में जरूर ट्राई करेगा, स्पेशली बॉल फर्स्ट हो बॉल सेकंड दोनों कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन यदि इस टीम का बैट फर्स्ट होगा तो फिर थोड़ा बैटिंग से भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि तो यदि बैटिंग आ गई तो थोड़ा बहुत रन स्कोर करने की भी क्षमता रखते हैं। नीचे चलेंगे तो दोस्तों आपको दिखेंगे यहाँ पे कैमरन स्टूनसन राइट आर्म मीडियम है, 3 मैच के अंदर 2 विकेट हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे, अभी उससे खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग जरूर ट्राई करिएगा। नीचे देखेंगे सौरभ नेत्रवालकर राइट आर्म मीडियम है, और 15 मैच के अंदर T20 में 11 विकेट हैं, लेकिन दोस्तों वनडे के अंदर बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, अभी एक मैच में 5 विकेट लिया था रिसेंट में, शायद ओमान या फिर यूएसए किंग्स, किसी यूए किंग्स ओमान किंग्स किसी किंग्स ने रिसेंट में 5 विकेट लिए थे, और बहुत बढ़िया बॉलर हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, स्पेशली कैप्टनसी भी करते हैं, कभी कभी मिल जाती है कैप्टनसी भी यूएसए की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इनके बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेली हुई है, जब उन्मुख चंद जिस ईयर खेल रहे थे उस ईयर उन्होंने रणजी क्रिकेट भी इंडिया में खेला हुआ है, कौन सा ईयर है तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, इंडिया के अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेल के बंदा वहाँ पर गया है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो बॉल फर्स्ट में। नीचे देखिए दोस्तों रश्दी थरन राइट आर्म मीडियम है, 13 मैच के अंदर 20 विकेट है, ये कहाँ का बॉलर है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब यूएसए के अंदर जितने भी प्लेयर हैं सब कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। अली खान ये बहुत अच्छे बॉलर हैं यूएसए के, लास्ट 5 मैच के अंदर 5 इंटरनेशनल मैच के अंदर इनके नाम 5 विकेट है, ये बंदा CPL में लास्ट ईयर खेला था और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को उसने बोल्ड मारे हुए हैं। अली खान की आप हाईलाइट देख सकते हो जाकर यूट्यूब में, आपको पता चलेगा किस क्वालिटी का प्लेयर है, एक कमाल का बैट्समैन है, और क्या बताऊँ मस्ट पिक रहेगा बॉल फर्स्ट में, अच्छे खासे T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, और शायद बारबाडोस के लिए नहीं है, मतलब ऐसी कोई टीम है CPL के अंदर बारबाडोस थी या फिर ट्रोबैगो नाइट राइडर्स, जी हाँ जहाँ पोलार्ड कैप्टन है, ट्रोबैगो नाइट राइडर्स के लिए CPL में खेलता है, अब मेरे को ध्यान है, तो अली खान को भी पिक कर सकते हो। तो दोस्तों आपके सामने यूएसए का फॉर्मस है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ही दिख सकता है। अब आफ्टर टॉस की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मैं खेलूंगा, वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों अभी क्लिक किया टीम बना, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो ऐसे मोनांग पटेल बेस्ट ऑप्शन, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, 2-3 ऑप्शन और यहाँ पर जे निकोल लॉपटीटन को भी कर सकते हो, जेन ग्रीन को भी ले सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मैं मोनांग पटेल के साथ जाऊँगा, क्लास प्लेयर है, इसलिए इसकी बैटिंग मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है स्टीव विलियम्स को, डी लाकॉक है और यहाँ से सुशांत मोडानी है, इसकी जगह आप जसकरण मल्होत्रा को भी ले सकते हो। जसकरण मल्होत्रा वही प्लेयर है जिसने ODI क्रिकेट में लास्ट ईयर सितंबर में 6 छक्के मारे थे PNG किंग्स और युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, और बहुत सारे प्लेयर हैं और कुछ प्लेयर हैं जो 6 छक्के लगा चुके हैं, तो इसकी जगह आप ले सकते हो, कमाल के हिटर हैं, एक ऑप्शन है आपके पास। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों ने डेविड वेज, निसर्ग पटेल, स्टीवन टेलर और ऐसे जे मरवी रेस्पस को अपनी टीम में रखा हुआ। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों मैंने यहाँ पे आर थेरन, बेनार्ड स्कूल और रोवेल टंबरमैन को अपनी टीम में रखा हुआ है। दोस्तों कैप्टन मैंने ऐसे किया हुआ डेविड वेज को, वाइस कैप्टन मेरे यहाँ से स्टीवन टेलर है। कैप्टन वाइस कैप्टन के स्मॉल लीग में दोनों बेस्ट हैं, सेफ हैं, यदि आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो मिडल ऑर्डर बैटिंग प्लस लगभग बॉलिंग करेंगे। डेविड वेज का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन अपने 4 ओवर कन्फर्म बॉलिंग करते हैं। स्टीवन टेलर का दोस्तों क्या है, बैटिंग थोड़ा सा ऊपर करते हैं नंबर 3-4 के आसपास, लेकिन बॉलिंग 4 ओवर नहीं डालते, 2-3 ओवर ही डालते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन यदि आप बनाना चाहते हो किसी और बैट्समैन को, तो बैट्समैन फिर मैं क्लास प्लेयर है मरवी रेस्पस को ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग से बॉल फर्स्ट नबी वेग होता है, तो आप यहाँ से रोबल टर्नपरमन को ट्राई कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शन थे, बाकी अभी के लिए तो टीम यही रहेगा, अभी के लिए मैं इसी टीम से अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, लेकिन फाइनल टीम नहीं है। आफ्टर टॉस इसमें थोड़ा बहुत अपडेट भी हो सकता है, तो जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मिलेगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए,
और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।